Prestige Marketing Private Limited as a Crown Director. और आज मैं आपके लिए आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हमेशा लोग पूछते हैं कि सर मैं Prestige में ज्वाइन कर लिया, मेरी आईडी लग चुकी है, मेरे पास आईडी और पासवर्ड आ चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ 12 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिस 12 पॉइंट्स को अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए और इस पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आपका Prestige के अंदर में क्राउन डायरेक्टर बनने का सफर जो है वो काफी आसान हो जाएगा अगर इन 12 पॉइंट को अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो ज्यादातर स्पेशली बनाता हूं जो इस इंडस्ट्री के अंदर में अनुभव नहीं रखते हैं, यानी नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव उनके पास पहले से नहीं है। वैसे लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनका ग्रोथ 100% एक क्राउन डायरेक्टर के रूप में हो सकता है। ये मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। आज मैं आपको 12 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप Prestige में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको Prestige में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं बीच में, यानी करते समय बहुत सारी समस्याएं आपको बार बार आएंगे, बहुत सारे सवाल आपके पास बीच में आएंगे, वो सारे समस्या और सवाल का जवाब क्या हो सकता है, उससे रिजल्ट कैसे हम लोग ले सकते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। इसलिए आपके अंदर में जो ड्रीम जॉब है, यानी आप चाहते हैं कि Prestige के अंदर में क्राउन डायरेक्टर का सफर हमारा आसान हो और मैं कम समय के अंदर में यहां तक अचीव कर सकता हूं और करूंगा, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और ये चैनल आपके लिए है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर कि अगर आप Prestige के अंदर में ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के तुरंत बाद आपकी मोबाइल पे आईडी और पासवर्ड आता है तो सबसे पहला काम जो है नोट कर लीजिए, वो पहला काम है आपका मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन के अंदर सबसे पहले मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप कौन कौन से हैं? तो पहला मैं बता दूं Prestige, दूसरे का नाम है Prestige POS और तीसरे का नाम है Prestige Best Deals। ये तीन मोबाइल एप्लीकेशन है, आप ये तीन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। पहले वाले से आप अपने बिजनेस को, आप अपने चेक को, आप अपने डाउनलाइन को, कंपनी के ब्रांचेस को, कंपनी के सेंटर्स को, कंपनी के प्रोडक्ट्स को, कंपनी के ट्रेनिंग्स को आप देख सकते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी ऑफर को देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में आते हैं। Prestige POS के अंदर में आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिलिंग करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन किसी की ज्वाइनिंग करा सकते हैं। इसके माध्यम से आपके द्वारा जो भी आप ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पे होती है। साथ में KYC यानी कि अपने कस्टमर को जानने के लिए जो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड वगैरह की जो अपडेट वगैरह होती है वो भी आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तीसरे जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है Prestige Best Deal, इसके माध्यम से ऑनलाइन बिकने वाले जो हमारे ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स हैं या फिर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल्स वगैरह है, ये सब चीज अगर आप परचेज करना चाहें तो आप Best Deal से कर सकते हैं, जिससे आपका PV और BVP जनरेट होता है, या फिर डाउनलाइन अगर परचेज करते हैं तो भी आपका बिजनेस बढ़ता है। तो ये तीन मोबाइल एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। दूसरा काम, इन तीनों में अपने आईडी और पासवर्ड से एक्टिवेट करने के बाद जो दूसरा काम करना है वो सबसे पहला है कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका जो अपलाइन है वो आपके लोकल एरिया का हो सकता है आपका अपलाइन आपसे 50, 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर की दूरी पे हो। तो ऐसे केस के अंदर में आपका सबसे पहला काम बनता है, क्योंकि बिजनेस ये नहीं समझेंगे कि ये सिर्फ अपलाइन का बिजनेस है, सारी चीजें अपलाइन मुझे बताएगा, एक एक चीजें अपलाइन करके देगा, तो ऐसा नहीं है। आप खुद इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तो जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है कि आप सबसे पहले दो कॉलम को जरूर जानने की कोशिश कीजिए। Prestige के मोबाइल ऐप के अंदर में जाइए और यहां पे ब्रांच को सेलेक्ट कीजिए। आईडी एक्टिवेट करने के बाद यानी कि वहां पे आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जो आएंगे ऑप्शन आएंगे उसमें आएगा ब्रांच का ऑप्शन। ब्रांच में जाने के बाद यानी जहां कंपनी के ऑफिस है, सेंटर्स है, वहां जाइए और जाने के बाद आप उसमें से निकालिए अपने लोकल एरिया के अंदर में नियरेस्ट DLCP सेंटर कहां है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टिंग पॉइंट कहां है, मेन DLCP सेंटर कहां है या कंपनी का ब्रांच ऑफिस कहां है। ये चीजें जानकारी जब आपको मिलेगी आपके स्टेट लेवल पे, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपके ब्लॉक लेवल पे चीजें अगर अवेलेबल है तो वहां पर काम करना आसान होगा। और ये पहले सर्च करें, पूरा देख लें कि कौन कौन से एरिया आपके नियरेस्ट लोकेशन में नियरेस्ट कौन कौन सी DCC या DLCP सेंटर्स वहां पे अवेलेबल है। दूसरा, इसी के साथ साथ आप एक और चीज देखिए ब्रांच के साथ साथ, वो है कंपनी की ट्रेनिंग्स, कि कंपनी की ट्रेनिंग्स कहां हो रही है आपके लोकल एरिया के अंदर, यानी आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां पे Prestige की ट्रेनिंग्स कब और कहां पे होने वाली है, उस
उसकी जानकारी पूरा लेने की कोशिश कीजिए तो आपका काम आसान होगा, क्योंकि ट्रेनिंग्स का नॉलेज होगा तो आप वहां पे बिना अपलाइन के सपोर्ट का भी आप उस जगह पे ट्रेनिंग्स में जाकर वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आप देख सकते हैं। कंपनी के ट्रेनिंग्स का नाम है जो बेसिक है उसका नाम है CNT, वो जान सकते हैं। सेलुलर मैनेजमेंट थेरेपी जो ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहां जाए अपने डाउनलिंग को लेकर जाए और समझने की कोशिश करें। अगला मैं पॉइंट आपको बता दू, यानी पहला तो आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपने दूसरा पॉइंट किया कि आपने ट्रेनिंग्स को पता किया कि ट्रेनिंग्स आपके एरिया के अंदर में कब और कहां हो रही है, और दूसरा कि आपके सेंटर्स कहां है यानी जहां से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब आते हैं आपके तीसरे पॉइंट पे जिसका होता है आईडी एक्टिवेशन कहां से होगा। तो आपने ब्रांचेस पता कर लिए कि कहां पे कंपनी के सेंटर्स हैं, आपने ऑनलाइन का भी ऑप्शन जान लिया कि इस चीज के POS एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब आपकी बारी आती है परचेजिंग करने की, परचेजिंग कैसे करना है। तो परचेजिंग के लिए मैं आपको चार पॉइंट्स बता देता हूं। पहला एक्टिवेशन है, तो अगर आपकी आईडी मिनिमम एक्टिवेशन अगर आप चाहते हैं तो 30 PV की रिक्वायरमेंट होती है आपकी मिनिमम आईडी के एक्टिवेशन के लिए। तो 1 PV इज इक्वल टू होता है 30 to 35 rupees, यानी 30 rupees से लेकर 35 rupees तक की परचेजिंग 1 PV में काउंट होती है, यानी अप्रोक्सीमेटली 900 rupees से लेकर 1050 rupees तक की अगर आपकी परचेजिंग हो जाती है तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। तो आपके पास पहला ऑप्शन ये हो गया। आप आईडी को एक्टिवेट करके थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, इसके लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा बड़ा करके अगर आपने 2500 rupees की परचेजिंग से अगर आईडी अगर आपने एक्टिवेट किया 2500 rupees से अगर आपने अपना आईडी एक्टिवेट किया तो वैसे केस के अंदर में आपको दूसरी बेनिफिट मिल सकती है। पहला तो आपका आईडी एक्टिवेट हो ही जाएगा, साथ ही साथ कंपनी की कंसिस्टेंसी ऊपर आती है, यानी 2500 rupees की परचेजिंग लगातार 6 महीने करने पर आपको 2500 rupees के प्रोडक्ट फ्री में दिए जाएंगे। तो ये ऑफर भी आपको इसकी परचेजिंग करने की वजह से आपको पहले महीने से शुरुआत हो जाता है। तीसरा, अगर आपकी बिलिंग थोड़ी ज्यादा है, आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं 2500 से ज्यादा कर सकता हूं, मेरे ऑर्डर्स जो है वो 2500 से ज्यादा बन रहे हैं, तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप कंपनी के मंथली ऑफर्स की जानकारी ले लीजिए, यानी कि जो मंथली ऑफर है कंपनी के ज्वाइनिंग वाले, हर महीने कंपनी ज्वाइनिंग ऑफर पे एक मंथली ऑफर देता है, हर महीने ऑफर देता है ज्वाइनिंग पे, यानी कि 3200 rupees की परचेजिंग, 3500 rupees की परचेजिंग, 4000 rupees की परचेजिंग, ऐसे करके कंपनी अपनी ज्वाइनिंग वाले नए ज्वाइनिंग वाले लोगों के लिए ऑफर कंपनी देता है। तो ज्वाइनिंग वाले ऑफर को पता कर लीजिए, वहां पे आपको पता चला कि 3200 rupees की परचेजिंग करने पर लगभग 320 rupees का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप अपनी आईडी को 2500 की जगह 3200 से एक्टिवेट करा ले, इससे आपका कंसिस्टेंसी ऑफर भी मिल जाएगा, आपकी आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगी और आपका मंथली ऑफर में कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी फ्री में दे दिया जाएगा। चौथा, अगर आपका ऑर्डर इससे भी ज्यादा बन रहा है, यानी अगर आपका ऑर्डर इससे भी ज्यादा बन रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हैं, वो है फास्ट स्टार्ट 8%। आप चाहें तो अपनी स्टार्टिंग फास्ट स्टार्ट 8% से भी कर सकते हैं, यानी कि अगर 282 PV की परचेजिंग अगर आप अपने सेल्फ आईडी पे भी कर लेते हैं तो आप इस चीज के अंदर फास्ट स्टार्ट 8% के लेवल को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसकी बेनिफिट से ये अगर करते हैं तो आपकी आईडी एक्टिवेट भी हो गई, दूसरी आपकी कंसिस्टेंसी ऑफर भी पहले है, तीसरा आपका मंथली ऑफर अगर 8% ही, यानी 282 PV का मतलब होता है लगभग 10000 rupees की परचेजिंग, अगर आप 10000 rupees की परचेजिंग करते हैं तो ये 3200 वाले लगभग 3 ऑफर आपको मिल जाएंगे। तो 3 ऑफर अगर आपको मिल गए तो आपको 900 rupees का सामान फ्री में मिला, प्लस आपका लेवल पास स्टार्ट 8% का हुआ तो कमीशन का जो लेवल होगा वो 5% से ना कैलकुलेट करके वो 8% से कैलकुलेट होगा, तो आपके अगले महीने का चेक लगभग 400-500 rupees के आसपास का भी बन जाएगा। तीसरा, कि कंपनी आपको पास स्टार्ट 8% क्वालिफाई करने के का एक फायदा देगी, और ये फायदा होगा कि आपको अगले महीने 900 rupees के प्रोडक्ट कंपनी गिफ्ट के रूप में आपको देगी, यानी कि अगर आप फास्ट स्टार्ट 8% के से अगर आपने आईडी एक्टिवेट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि इससे ज्यादा की परचेजिंग करनी हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इससे ज्यादा की परचेजिंग पहले आईडी एक्टिवेशन में ना करें। हमारा बिजनेस पैसे लगाने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस कंज्यूमर का है, आप जितना कंज्यूम कर सकते हैं उतने ही बिलिंग कराएं, आप ज्यादा बिलिंग कराने के बारे में ना सोचे। अगर कंज्यूम इससे ज्यादा आप कर सकते हैं तो ही ले, अन्यथा ना ले। मेरा 110% आपसे रिक्वेस्ट होगा कि ज्यादा पैसा ना लगाए अगर वो प्रोडक्ट आपके यूज के लायक नहीं है। 10000 के प्रोडक्ट काफी है, आप फील्ड के अंदर में उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। आगे की पॉइंट पे चलते हैं, आईडी एक्टिवेशन के बाद की बात करते हैं, यानी आपने 3 पॉइंट देख लिए। अब मैं चौथे पॉइंट की बात करता हूं, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है फास्ट स्टार्ट 8% का लेवल। तो फास्ट स्टार्ट 8% का लेवल के बारे में जानकारी ले लीजिए।
1% के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कीजिए। 5.8% क्या होता है, मैं आपको ऊपर में एक लिंक दे देता हूँ, आई बटन को क्लिक करें, वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको पता चलेगा कि वेस्टीज में फास्ट स्टार्ट 8% कैसे क्वालिफाई किया जाता है। ये 14 पॉइंट है, ये जानकारी ले लीजिए। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर में। हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है अपना ड्रीम और अपना टारगेट। आप अगर वेस्टीज के अंदर में ज्वाइन किए हैं तो सबसे पहले ये बात को जान लीजिए कि वेस्टीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एक महीने की आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके हैं जिनकी आमदनी 25 लाख से भी ज्यादा है, और आज लगभग 2500 लोग ऐसे हो चुके हैं जिनकी एक महीने की आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा है। आप करना क्या चाहते हैं, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। ऐसे भी लोग आज वेस्टीज में है जिनकी एक महीने की आमदनी 66 लाख रुपए भी है, जो एशिया के अंदर में हाईएस्ट अर्नर माने जाते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। तो ये कहने का मतलब आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे इस वेस्टीज से कितना पैसा अर्न करना है और कितने महीने के अंदर में करना है। ये एक गोल बनाइए, एक टारगेट बनाइए और इसको मंथ के बेस पे आप अचीव करने के बारे में सोचिए। यानी पहले महीने में मैं 8% करूंगा, दूसरे महीने में 11 करूंगा, तीसरे महीने में 14, 17, 20 करूंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट सिल्वर गोल्ड स्टार डायमंड क्राउन, ऐसे करके मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा और इसके चीजें जो जो चीज रिक्वायर्ड होगी मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ। तो इन तरीके से आप अपने मंथली यानी अपने टोटल मिशन को बनाइए कि मुझे करना क्या है 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में, और इसके साथ साथ अपने मंथली टारगेट को भी सेट कीजिए कि मेरा मंथने का कितने का बिजनेस मुझे करके मुझे वहां तक पहुंचना है। तो इस तरीके से आप अपने 5वें पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि अपना मंथली टारगेट और गोल सेटिंग कीजिए, गोल सेटिंग कीजिए और इसको टारगेट के बेस पे कीजिए। यानी मंथली टारगेट होना चाहिए कि हर महीने मुझे कितना करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। मैं आपको आज एक और चीज बता देता हूँ, अपनी एक गोल सेटिंग के अंदर में एक चीज को ध्यान रखिएगा, 2000 PV का बिजनेस मंथली करने के बारे में सोचिए। अगर आप एक लीडरशिप, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप एक महीने का बिजनेस 2000 PV का कम से कम करने के बारे में सोचिए। अगर आपकी टीम के अंदर में एक लीडर अगर आ गए, आप खुद एक लीडर है और आपके नीचे में कोई एक लीडर आ गया, तो आप 4000 PV के बारे में सोचिए। अगर आपके नीचे कोई 3 हो गए, आप अकेले हैं तो 4 हो गए, 4 मिलाकर 2000 PV से मल्टीप्लाई करके 8000 PV के बारे में सोचे। यानी एक लीटर 2000 PV का टारगेट लेके महीने का अगर बिजनेस करता है तो आगे चल के वेस्टीज में किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आएगी और आप धीरे धीरे करके वेस्टीज के अंदर क्राउन डायरेक्टर या उससे ऊपर के लेवल को भी क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए मंथली टारगेट को सेट कीजिए, इससे नीचे आपका मंथली टारगेट नहीं होना चाहिए। पहले महीने में 8% तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे महीने से 2000 PV से नीचे का बिजनेस का टारगेट मत लीजिएगा। कम से कम एक महीने का 2000 PV करना है तो करना है, इसको हमेशा सोच के रखिए। आगे बात करते हैं 6वें पॉइंट के ऊपर। हमारा जो 6वां पॉइंट है वो ये है कि आप कंपनी में होने वाले CNT को पता कीजिए कि आपके नियरेस्ट लोकेशन के अंदर में। अगर आपके लोकल शहर में CNT नहीं हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है, आप 100 किलोमीटर तक ट्रेवल करके आप CNT अटेंड करने जरूर जाए। दूसरा, VIP ट्रेनिंग को अटेंड करें। और तीसरा जो हमारा है वो है सक्सेस सेमिनार। ये 3 तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम को तुरंत इमीडिएट ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद आप कोशिश कीजिए, जहां भी हो रहा है आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, मोबाइल ऐप में जाकर आप ट्रेनिंग्स में देख सकते हैं कि VIP ट्रेनिंग कहां हो रही है, CNT ट्रेनिंग कहां हो रही है, और अपने अपलाइन से आप पता कर सकते हैं कि सक्सेस सेमिनार कहां हो रहा है। सक्सेस सेमिनार पेड होता है, VIP पेड होता है और CNT फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन ये तीनों ट्रेनिंग आपके लिए अनिवार्य है। अदरवाइज आप ये ना सोचें कि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिलेगा और मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। आप ये तीनों ट्रेनिंग को अटेंड अवश्य ही करें। मैं आपको बता दूं, VIP के अंदर में आपको ये 7 ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे जो करने हैं, 7 ऐसे पॉइंट आपको बताए जाएंगे जो नहीं करने हैं, और इस चीज को चुनिए अपनी जीविका। ये 3 अलग अलग तरीके के प्रेजेंटेशन आपको VIP ट्रेनिंग के अंदर में बताया जाता है। सक्सेस सेमिनार के अंदर में एक सक्सेस पर्सन आते हैं जो अपनी पूरी जर्नी बताते हैं और साथ में उसको कैसे अचीव करना है सक्सेस को, उसके बारे में बताया जाता है। और CNT के अंदर में कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी की मार्केटिंग प्लान को डिस्कस किया जाता है। ये तीनों चीज आपके लिए अपने शुरुआती फेज के अंदर में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं आपके 7वें पॉइंट के ऊपर। अब हमें 7वें पॉइंट पे क्या करना है, तो 7वें पॉइंट के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, वेस्टीज के अंदर में मैंने एक चैनल के अंदर में एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका नाम है टूल्स। वेस्टीज के अंदर में वो कौन कौन से टूल्स आपको अटेंड करने चाहिए, वो कौन कौन से टूल्स आपके पास होने चाहिए, वो टूल्स का मैं लिंक यहां दे देता हूं, आप यहां पर उस वीडियो को देख लेंगे जहां पे टूल्स वेस्टीज में कौन कौन से टूल्स आपके पास होने चाहिए, उस टूल्स को लेने का प्रयास जरूर कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप किसी मैदान में उतर रहे हैं तो आपके पास हथियार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हथियार किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन वेस्टीज के अंदर में ग्रोथ चाहिए तो आपको वेस्टीज से रिलेटेड जो टूल्स है वो आपके
जरूर होना चाहिए, वरना आपको पता है कि अगर आप बिना टूल्स का इलेक्ट्रिसिटी से भी अगर संपर्क करेंगे तो करेंट जरूर लगेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि स्मूथली आपका बिजनेस रन करे तो आपके पास टूल्स होना चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आगे बात करते हैं, तो यानी सातवां पॉइंट जो है वो टूल्स का है। आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है क्या टूल्स। अब बारी आती है आपके आठवें पॉइंट की। आठवां पॉइंट है आपका यूट्यूब। आज के डेट में विस्टीज के अंदर में यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके पास अवेलेबल है। मैं भी लगभग 100 से ज्यादा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको हर सप्ताह आपको एक नई ट्रेनिंग जरूर देता हूं, जिसके माध्यम से आप विस्टीज के अंदर में काफी तेजी से ग्रो कर सके। और मुझे खुशी भी है कि आप लोगों ने काफी प्यार दिया, जिसकी वजह से हमारा चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या और व्यूअर की संख्या काफी तेजी से ग्रो भी हुई है। तो डेफिनेटली है कि अगर आप अपने टीम के अंदर इन चीजों को बताते हैं तो आपका ग्रोथ होता है। और यूट्यूब चैनल पे आकर आप वेस्टीज के खुद के जो वेस्टीज कंपनी की अपनी खुद की जो बनाई हुई जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, वहां जाके देखें, वहां पर आपको टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। कंपनी के द्वारा होने वाली एक्टिविटीज आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, कंपनी का वाट फंक्शन की जानकारी हर एक चीज आपको वहां से मिलना शुरू होगा। वेस्टीज के फेसबुक पेज पे भी चले जाए, वहां पर भी फेसबुक को लाइक करें। वेस्टीज से रिलेटेड जो भी लोग फेसबुक पे अवेलेबल है उनके साथ भी जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उनसे जुड़ेंगे तो कुछ नए नए अपडेट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगला है व्हाट्सएप ग्रुप भी अपना क्रिएट कीजिए अपने टीम के अंदर में, यानी कि सोशल मीडिया। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सोशल मीडिया है, यानी व्हाट्सएप पे आइए और फेसबुक पे, यानी कि पूरी तरीके से आप लिंक होना शुरू कीजिए। यूट्यूब के माध्यम से वेस्टीज से जुड़े, व्हाट्सएप के माध्यम से वेस्टीज से जुड़िए और फेसबुक के माध्यम से वेस्टीज से जुड़िए और अपने पूरे चीजों को वहां पे फेसबुक पे आप अपने पेज पे वेस्टीज को प्रमोट करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा आपका डिसीजन जो होगा वो कंफर्म होगा कि आप सक्सेस के लिए काम करना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स के ऊपर, जो नवा पॉइंट्स है जो 9 नंबर के पॉइंट्स है वो है आपका लिस्ट। आप ज्वाइन करने के बाद सोचते हैं कि मैं किसी को ज्वाइन करा लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, ऐसा मत कीजिए। अपना मोबाइल फोन निकालिए, उस मोबाइल फोन के अंदर में कॉन्टेक्ट में जाइए और वहां से ए से लेकर जेड तक के नंबर को निकालना है। अपने से सर्च नहीं कीजिएगा, ए से नंबर निकालना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ए फॉर अमन, ए फॉर अशोक, ए फॉर अजय, ऐसे करके ए से नाम आएंगे और वैसे 100 व्यक्ति का पहले लिस्ट बनाइए। आप बोलेंगे सर मैं 10 बना लिया, नहीं मैं नहीं मानूंगा, 50 बना लेंगे तो भी नहीं मानूंगा। 100 लिस्ट कम से कम होना चाहिए, 100 लोगों के नाम होने चाहिए और 100 लोगों के नाम होने के बाद ही आप स्टेट के अंदर में प्लान कीजिए और 100 लोगों से 100 लोगों की लिस्ट प्रायोरिटी है, इसको बनाना है तो बनाना है। आप इसमें किसी भी तरीके से बहाने का प्रयोग ना करें कि सर मेरे पास 100 नहीं है, मैं नहीं बना सकता। नहीं, आपके घर के अंदर में शादियां होती हैं, आपके घर के अंदर में बर्थडे होता है, आप लोगों की लिस्ट बनाते हैं उनको इनवाइट करने के लिए, उसी तरीके से आपको 100 लोगों का लिस्ट बनाना है तो बनाना है। ये चीज हो गया। अगला पॉइंट है, 10वां जो पॉइंट है वो है अपने अपलाइन की पूरी हायरार्की को जानने की कोशिश कीजिए कि आपके अपलाइन कौन है। अपलाइन इन द सेंस जो एक्टिव अपलाइन है उनके बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि आपके अपलाइन कौन है। पहला आप हो गए, आपके ऊपर में जो आपके साथ जो एक्टिव है उनका नाम जानिए, उनका मोबाइल नंबर दीजिए, उनसे ऊपर कौन है उनका मोबाइल नंबर, ऐसे करते 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 कंपनी लेवल पे जाइए। कंपनी के अपने हेड ऑफिस के अंदर में जो उसके जो मोबाइल नंबर है या वहां के जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसको निकालिए, उनसे मिलने का प्रयास कीजिए। अपने सारे अपलाइन से मिलने का प्रयास कीजिए, उनके द्वारा होने वाले ट्रेनिंग्स को अटेंड करने का प्रयास कीजिए। ये ज्यादा बेहतर होगा आपके और पूरी टीम के ग्रोथ के लिए। जितना ज्यादा आप अपलाइन से जुड़ने का प्रयास करेंगे उतना आपका ग्रोथ कंफर्म होता जाएगा और आप इस क्षेत्र में ग्रो करेंगे। अपलाइन की बात को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर में, क्योंकि इस इंडस्ट्री की अभी तक बुकलेट नहीं आई है जिसको पढ़ के आप आगे निकल जाएंगे। इसलिए अपलाइन जो सक्सेस है उसकी बातों को मानेंगे, जल्दी सक्सेस होंगे और ग्रोथ आपका कंफर्म होगा। आगे बात करते हैं आपका जो 11वां पॉइंट है वो है आपका ड्रेस कोड। जितना जल्दी हो सके आप ड्रेस कोड में आने का प्रयास कीजिए। वेस्टीज की ड्रेस कोड जो है वो व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, टाई है, अच्छा लगे तो आप सूट भी डाल सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आप शर्ट, पैंट, टाई का प्रयोग कर सकते हैं, एक ब्लैक शू का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं सर आप जो वीडियो बनाते हैं उस वीडियो के अंदर में आप प्रोफेशनल ड्रेस में नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ड्रेस कोड है वो मैं कैजुअल इसलिए रहता हूं क्योंकि जो नए लोग हैं वो प्रेशराइज फील ना करें कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर में ग्रोथ लेने के लिए पहले ड्रेस कोड में आना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है, आप अच्छे ड्रेस के साथ भी आप वेस्टीज को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के साथ आइए और फॉलो कीजिए और कंपनी की जहां इवेंट्स वगैरह हो रही है वहां पे आपका ड्रेस कोड में रहना अनिवार्य होना चाहिए, जिससे आपका ग्रोथ समझ में आ सके, आपकी अप्लाइंग को भी और आपके डाउनलाइन को भी कि आप कितने सीरियस हैं।
मिस्टी के अंदर में। आज मैं मिस्टी के अंदर मैं क्राउन हूँ, कभी भी आप मुझे कभी कंपनी के किसी भी इवेंट के अंदर में आप मुझे विदाउट ड्रेस नहीं देख सकते हैं, मैं 100% ड्रेस कोड के साथ ही रहता हूँ। लेकिन इस यूट्यूब के माध्यम से मेरे जो अपने जो लोग हैं वो मुझे इस वेव में देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि अपना आदमी है, क्राउन है, लेकिन है हम लोग के बीच का आदमी, इसलिए ये ज्यादा बेहतर लगता है ये ड्रेस कोड मुझे भी और आपके साथ जुड़ने में।